नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया इम्पोर्टेंट वीडियो, ज्वाइनिंग डेट आगे बढ़वाने के लिए ईमेल कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और सीखते हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं जिसने ईएफजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ है और यहाँ पे लकीली आपका सिलेक्शन हो गया है। आपकी जो नई जॉब प्रोफाइल है वो है असिस्टेंट आईटी मैनेजर की। कंपनी ने आपसे एक महीने बाद कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोला है। आप अग्री हैं उस चीज पे, आपने कंपनी को बोला है यस आई एम रेडी टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 1 मंथ। अब दोस्तों, आप अपनी पुरानी कंपनी जो कि LMN प्राइवेट लिमिटेड है वहां पे जाते हैं, जहां पे आपका जॉब प्रोफाइल आईटी एग्जीक्यूटिव का था। वहां पे आप मैनेजमेंट के सामने अपना रेजिग्नेशन रखते हैं, उनको बताते हैं कि आप एक नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपका जॉब प्रोफाइल और सैलरी पैकेज दोनों ज्यादा है। यहां पे मैनेजमेंट आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन आपसे कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ तो सकते हैं लेकिन 40 दिन बाद। 30 दिन का तो नोटिस पीरियड हो गया, 10 दिन आपको और देने पड़ेंगे कंपनी में, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको पूरा करिए और जाइए। दोस्तों, सिचुएशन आपके सामने ऐसी है कि आपको अपने नए एम्प्लॉयर को ईमेल करके बताना पड़ेगा कि आप कंपनी 30 दिन बाद नहीं 40 दिन बाद ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहां पे आपको उनको ईमेल करके बताना पड़ेगा कि आपको 10 दिन का एक्सटेंशन पीरियड चाहिए, क्योंकि आपको आपकी पुरानी कंपनी रिलीज नहीं कर रही है 30 दिन बाद, वो आपको 40 दिन बाद रिलीज कर रही है। तो यहां पे ईमेल करना इंपॉर्टेंट क्यों है समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है रिटर्न रिकॉर्ड। दोस्तों, आप ईमेल करेंगे, आपके पास में भी प्रूफ रहेगा और कंपनी के पास में भी एक प्रूफ रहेगा कि आपने लिखित तौर पे बताया था। दूसरी चीज, शोज योर कमिटमेंट। ये दिखाता है ईमेल करना कि आप वाकई में कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं जिससे कंपनी आपको लेके सीरियस हो जाएगी। तीसरी चीज, क्लैरिटी टू योर न्यू एम्प्लॉयर। दोस्तों, आप रिटर्न फॉर्म में दे देते हैं, कंपनी का काम आसान हो जाता है, कंपनी का रिक्रूटमेंट या HR डिपार्टमेंट क्लियर हो जाता है कि अब उस प्रोफाइल पे आप ज्वाइन करने वाले हैं, भले 10 दिन बाद ही सही, तो वो नए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना, लाइनअप करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपको ईमेल जरूर करनी पड़ेगी। दोस्तों, फाइनली देखते हैं कि हमें ईमेल में क्या लिखना है। तो 2 में आ गया HR का ईमेल आईडी, जो कि EFG प्राइवेट लिमिटेड की HR है, HR@EFG.com। सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंशन, इसका मतलब है ज्वाइनिंग डेट आगे बढ़ाई जाए। फिर हमने लिखा हुआ है डियर मैम, क्योंकि जो HR है वो एक फीमेल है। देखिए सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखना है। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एज असिस्टेंट IT मैनेजर। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आपकी कंपनी द्वारा, जहां पे जॉब प्रोफाइल किस चीज की है, असिस्टेंट IT मैनेजर की। आई एम डिलाइटेड टू रिसीव योर काइंड ऑफर एंड आई ग्लैडली एक्सेप्ट द ऑफर्ड पोजीशन। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं इस ऑफर को रिसीव करके और मैं खुशी खुशी इसको स्वीकारता हूं। हाउएवर, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द करेंट ऑर्गेनाइजेशन LMN प्राइवेट लिमिटेड, आई एम अनेबल टू कमेंस एम्प्लॉयमेंट at your organization until the end of 40 days। यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है कि हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता की वजह से कहां पे LMN प्राइवेट लिमिटेड में मैं तब तक आपकी कंपनी नहीं ज्वाइन कर सकता जब तक 40 दिन पूरे नहीं हो जाते। आई हैव ट्राइड टू नेगोशिएट विथ माई करेंट एम्प्लॉयर टू रिलीज मी सूनर, बट द मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू रिलीज मी ड्यू टू सम प्रोजेक्ट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे लिखा गया है कि हालांकि मैंने नेगोशिएट करने की कोशिश की अपने करेंट एम्प्लॉयर के साथ में, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो तैयार नहीं है मुझे रिलीज करने में, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑब्लिगेशन है, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। हेंस आई हम्बली रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ 10 days फॉर ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरी ज्वाइनिंग डेट 10 दिन बढ़ाई जाए। आई डू वॉन्ट टू एग्जिट द करेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन गुड टर्म्स एज वेल एज फुलफिल माई ऑब्लिगेशन टू देम बींग अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। यहाँ पे लिखा गया है कि मैं अपनी जो करेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अच्छे नोट पे छोड़ना चाहता हूँ, अपने सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय की तरह से।
एक्सपेक्टिंग फॉर अ फेवरेबल कंसिडरेशन फ्रॉम योर एंड. मैं आपसे एक अच्छा फेवरेबल कंसिडरेशन एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको कंसिडर करेंगे. थैंक्स एंड रिगार्ड्स देवर्षि मिश्रा. उसके नीचे आपने अपना नंबर दे रखा है. तो दोस्तों इस तरीके से ईमेल करके आप अपने नए एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि आपको 10 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, और चीजें पॉजिटिव रही तो कंपनी आपकी इस रिक्वेस्ट को कंसीडर जरूर करेगी. दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, आई होप इस वीडियो ने आपके कई सारे डाउट्स क्लियर किए. दोस्तों मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके के रियलिस्टिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जो आपके कई सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट उनको देखें, सीखें और अपने डाउट्स क्लियर करें. अपना समय देने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है आप मुझे लिख सकते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में. वीडियो जरूर लाइक करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा सो दैट किसी और की मदद हो पाए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.